आप सब लोगों को मैं चिनार को डैगर डिवीजन और जेएनके पुलिस की तरफ से यहाँ वेलकम करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमें ये इंटेलिजेंस आ रही थी कि पाकिस्तान के तंजीमें यहाँ उड़ी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं और उनका मुद्दा था यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो शांति बहाल हो रखी है उसको और बारामूला उड़ी तहसील के अंदर कोई खलबली करना, किसी आईडी के तहत कोई एक बड़ा धमाका करना और एक टेररिस्ट ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पीस को डिस्टेबलाइज करना। इसी इंटेलिजेंस इनपुट्स के मद्देनज़र फौज ने और पुलिस ने अपना इंटेलिजेंस और CICT ग्रेड को और मजबूत किया और पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारी जो डैगर डिवीजन की फौज की आगे एम्बुशेस ले कर रहे थे उनको हमने इंटेलिजेंस इनपुट्स के हिसाब से साइट किया। आज सुबह तकरीबन 6:40 पर बहुत बुरा मौसम था, बारिश पड़ रही थी और फॉग का माहौल था। हमारे यहाँ रुस्तम बटालियन के हथलंगा एरिया के अंदर एक जो एम्बुश साइटेड था उसने नोटिस किया कि 3 से 4 टेररिस्ट ये LOC क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं हथलंगा नाला के नज़दीक। इमीडिएटली कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया गया। ये टेररिस्ट के साथ फायर फाइट तकरीबन 2 घंटे तक चली, 6:40 से लेके 8:40 तक। इस फायर फाइट के अंदर हिंदुस्तान फौज ने UBGLs, MGLs और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया और इस फायर फाइट के अंदर एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया। इसके बाद जो एम्बुश पार्टीज वहाँ थी उन्होंने नोटिस किया कि 2 टेररिस्ट जो कि इंजर्ड हुए हैं उन्होंने अपनी थोड़ी मूवमेंट बदल ली है, तो उसके हिसाब से एम्बुशेस ने रीसाइट किया और तकरीबन 9:15 बजे फिर से एक सेकेंड फायर फाइट शुरू हुई। ये फायर फाइट तकरीबन आधे घंटे तक के लिए चली जिसके अंदर की दूसरा टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसी दौरान तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था वो पाकिस्तान फौज की पोस्ट जो नज़दीक में है उनके फायर सपोर्ट की मदद में उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इसमें ये चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। फौज की जो पार्टीज इन्वॉल्व थी उन्होंने वहाँ क्वाडकॉप्टर भी फ्लाई किए, पाकिस्तान फौज ने हमारी क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर भी फायरिंग की और ये टेररिस्ट जो तकरीबन 300-400 मीटर पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेट किया वहाँ जंगल एरिया के अंदर ये जाके वहाँ गिर गया और हमारे अनुमान के हिसाब से वो उसकी वहाँ ही वॉज किल्ड देयर एंड उसके बाद उसकी बॉडी वहाँ से रिकवर की गई एंड वेदर बड़ा ख़राब था इसके कारण क्लैरिटी भी नहीं आई, बट फर्दर ऑपरेशंस एंड सर्च इस एरिया में 2 बजे तक चलती रही है। ऑपरेशन 2 बजे इनिशियली कॉल्ड ऑफ हो गया है, अभी इलाके के अंदर अभी भी सर्च चल रही है, हमारी पार्टीज वहाँ तैनात हैं एंड अभी तक का ऑपरेशन जो कि 8 घंटे तक के लिए चला है, इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है, 1 टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है किसी से एंड ये ऑपरेशन दर्शाता है कि पाकिस्तान फौज किस तरीके से मुलव्वज़ है टेररिस्ट को हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करने की मदद करती है, उनकी फायर सपोर्ट देती है और मॉरल सपोर्ट देती है एंड कश्मीर के अंदर किस प्रकार से पाकिस्तान की फौज मुलव्वज़ है यहाँ पे हमारे पीस और सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए। देखिए ये इनका टेररिस्ट का ये एक पुराना मोडस ऑपरेंडी है कि जब ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं ये बुरे मौसम का लहजा लेते हैं एंड आप देख रहे हैं पिछले 48 घंटे से यहाँ हमारे बहुत बारिश पड़ रही है और मौसम बड़ा ख़राब था, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है इन्होंने एंड जब भी ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान की फ़ौज जो वहाँ पोस्टें रहती है वो मुलविज़ रहती है इनकी सपोर्ट के दौरान एंड इस ऑपरेशन में जिस प्रकार से वो तीसरे टेररिस्ट को उन्होंने एक्सफिल्ट्रेट करने में कोशिश मदद की ये पाकिस्तान फौज की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको मुलविज़ करता है।
what about infiltration threats in Odisha? Thank you, that's all. And ये पूरा ऑपरेशन jointly कंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ. इस ऑपरेशन के अंदर जब ये कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की SOGs भी एक्शन में आई, उन्होंने भी वहाँ पे आके हमारे साथ कॉर्डन में पार्टिसिपेट किया.